हेलो भाई, अरुण पवार इंडिया आप सभी का स्वागत करता है कटरा से। भाई मैंने ब्रेकफास्ट अपना मंगवा लिया है और जैसे ही मैं पर्दो हटाऊंगा और आपको दिखेगा, देखो कितना तगड़ो नजारो। अरे भले ना तो चलेगी कल की सनरूफ वाली। ये माता रानी बैठी हुई है, आ रहे माता रानी, टेंशन मत लो, आपका भक्त आपके पास आ रहा है। मैं भी अभी निकलूंगा भाई, 9:24 हो रहे हैं, मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा करीबन 3-4 घंटे में, माता रानी से मिल लूंगा। सुनाओ माता रानी कैसी हो, सब ठीक है? तो भाई काफी एक्साइटेड हूँ मैं अभी ब्रेकफास्ट करके। मैंने यार दो वो बोले थे, ये सैंडविच और दो पराठे, कितना कुछ भेज दिया। ये तो खैर मैं हलवा लाया था, मम्मी ने जो दिया था ये खा लिया मैंने। तो ये भाई अब खा के, ये मेरी चाय रही, लेकिन कप कहाँ है, चलो ये रे कप। तो भाई मैं रेडी होके आ चुका हूँ और अब यहाँ पे जो होटल होता है ना वो हमको छोड़ता है, जहाँ से दर्शन मतलब जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। तो मेरी जो यात्रा स्टार्ट मैं कर रहा हूँ ना अपनी भाई, ये हो रही है 10 बजे और ये अपनी गाड़ी है जिसमें हम लोग जाएंगे। चन वाले भाई बुला रहे हैं ड्राइवर को, तब तक यहाँ पे बैठ जाता हूँ तो फिर चलूंगा मस्त अपना। भाई गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं हम दरबार पे और मेन मार्केट में से जाना होता है अपना। बहुत फन हो रहा है, बहुत ज्यादा फन, इतना अच्छी मार्केट है। हम दही दे लूट जो ले रहे हैं ना, उसका दही देने का केजी मैडम कर लिए थे, इसको हम जा नहीं पाए। भाई यहाँ से मैंने ले लिया है अपना RFID टैग, अब ये चलने लग गया है ये वाला सिस्टम ना। पहले पर्ची होती थी, फिर एक बार ऑनलाइन का सिस्टम कर दिया, लेकिन अब फोटो होता है आपका और नाम पूछते हैं और पिन कोड पूछते हैं। चलो भाई अंदर से आ जाते। तो भाई बहुत कम लाइन होती है काउंटर नंबर 2 से, जाते ही नंबर आ गया, तुरंत मिल गया यार, कुछ नहीं होता। तो भाई मैंने अपना कार्ड ताक लिया है और भाई मुझे आज रियलाइज हुआ मेरे को लेडीज होना चाहिए था भाई, बिल्कुल भीड़ ही नहीं होती उनकी तो यार। और मैं कम से कम आध घंटा लाइन में खड़ा रहा चेकिंग के लिए, जबकि कोई लगेज नाम का एलबी नहीं है मेरे पे। पर चलो मैंने कर दिया स्टार्ट, अब मैं फटाफट जाए जा रहा हूँ। नहीं भैया नहीं करने कोई घोड़े वोड़े, पैदल जिंदाबाद पैर। किलोमीटर चढ़ चुका हूँ और यहाँ भी बीकानेर वाला खुले हुए हैं, मतलब प्रीमियम स्टोर्स भी हैं यहाँ पे। मैं इसीलिए वहाँ होटल से खा के आया क्योंकि मुझे पता रास्ते में बढ़िया कुछ मिलता नहीं, पर ये सब खा सकते हो इनका, फिर भी हेल्दी रहे, मतलब हेल्दी तो क्या, तो हाइजीनिक रहता है। 8 किलोमीटर चढ़ चुका हूँ और यहाँ पे बोस के स्पीकर लग रखे हैं, देखो हैं बढ़िया है भाई, बोस बढ़िया कंपनी है। जय माता दी, भवन पे पहुंच चुके हैं और ये है भाई बेस से आपका 12 किलोमीटर मान सकते हो पूरा पट, और ये वो जो रोप बेसी होती है इसके लिए लाइन लगती है यहाँ पे। मैं तो पैदल ही चलूँगा, तो यहाँ पे लॉकर में कर देते हैं भाई फ़ोन वोन समा, स्मार्ट वॉच देखो, और अपना ये क्या होता है पर्स वॉलेट कुछ भी अलाउड नहीं है, तो यहीं पर मिल गया मेरे को लॉकर और इसमें चाबी भी, तो रख के चलते हैं। और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता भाई, मैं दर्शन करके आ जाता हूँ। आ गया भाई दर्शन करके, बहुत अच्छे दर्शन हुए। वी लॉकर में फ्री सर्विस होती है, अरे सामान लेके बैग जूते वूते सब रख देते हैं इसमें, चल जाऊँ भैरव बाबा की तरफ। ये देखना भाई ये रोप वेसी भी जाती है भैरव बाबा के ऊपर, लेकिन अब लाइन देखो, इमीडिएट फोकस कर ले आईफोन तो, मतलब मैं ही सोच रहा हूँ ये पहले टिकट लाइन में इतनी लंबी लगते हैं भाई, दिख नहीं रहा सॉरी, उसके बाद यहाँ पर इतनी लंबी लाइन, मतलब जब मैं पहुँचाऊँगा तब तक भी लाइनों में खड़े रहेंगे, कमाल है यार पब्लिक की भी। और वही 100 रुपये था हाल से मेरा टिकट है, तो कंफर्ट मिलता है, लेकिन खड़े खड़े तो पेट टूट रहे हैं। इससे अच्छा चल ही लो भाई, तुम्हारी सेहत भी अच्छी बनेगी। देखो भाई यहाँ से लाइन चालू है टिकट की, ये देख रहे हो आप, यहाँ से पूरी ओल्ड वे आगे तक।
अब इनको टिकट मिलेगी, अब ये लोग उसमें जाएंगे भाई। हद हो गई, हद भी हो गई लोगों की, हद भी हो गई है ना। देखो बाहर निकाल रहे हैं जो शॉर्टकट मार रहे हैं, ये तो बहरो जी, और यहाँ से जाऊँगा आगे देखता हूँ कहीं पे कुछ खाली मिलता है तो खा लूँगा खाना वाना। 3 बज गए तो मैं सोच रहा हूँ खा ही लेता हूँ। देखो लाइन, ये देखो लाइन, ओ भैया रे कटारी हो रखे बिल्कुल। मिल गया एक रेस्टोरेंट भाई, मैं यहीं पे अपना रुक के ऑर्डर कर लेता हूँ कुछ, और खा के मस्त अपना आराम से जाऊँगा ऊपर की तरफ। ओके बताओ क्या खाऊँ मैं, आप लोग बताओ क्या खाऊँ, क्या खाऊँ यार, ना कुछ कन्फ्यूज़न हो जो मेरे को चढ़ा दे वो बताना। मैंने मंगवा ली भाई थाली, एकदम वेज डिलक्स थाली, बहुत कुछ है, पनीर वनीर दाल, ये पता नहीं क्या है, सब भी जाएगी मेरे पे अकेले पे। ये भवन, और अब मैं जा रहा हूँ भाई, इनकी बात कर रहा था जो लोग इनमें बैठ कर आते हैं और इतना बिल्कुल मतलब भर देते हैं। अब ले रहा हूँ मैं सीढ़ी, चढ़ते टाइम मैंने बिल्कुल सीढ़ी नहीं ली थी भाई क्योंकि सीढ़ियों पर थक जाते हैं। अब मैंने ले ली 351 सीढ़ी, यहाँ बहुत थक गया। हार्ट बीट देखो 171, 200 तक पहुंच गई थी, अरे बहुत ज़्यादा है भाई। पर ऐसे कहते हैं कि अगर यहाँ भैरों पे नहीं जाते ना तो लगती नहीं है मान, मतलब मान ही नहीं जाती ऐसे कुछ। और चढ़ता हूँ भाई, और चढ़ जाता हूँ भाई, जूते बहुत कंफर्टेबल हैं मेरे। फाइनली भाई मैं टॉप पे पहुंच गया, नज़ारा देखो, ये देखो कौन ला देख रहे हो भाई कितना ब्यूटीफुल। यहाँ पे चलता हूँ भाई, यहाँ पे जूते उतार के जाता हूँ यूज मी के नीचे, देखो उसके लेके ना जाए यहाँ पे वरना लगता है चोरी हो जाएंगे। भाइयों मैं यहाँ भैरव मंदिर पे आ गया हूँ, यहाँ से यहाँ पे फोटोग्राफी बहुत प्रोहिबिटेड है तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया अंदर का, क्योंकि खुद आना पड़ेगा इतना चढ़ के, ये तो कम है 1500 किलोमीटर चल के। जूते बीबी यहीं पर रखे हुए हैं, थैंक गॉड। भाई कर आया हूँ दर्शन कंप्लीट, जूते वूते पहन के एक बार ये सनसेट का व्यू एंजॉय करके शांतिपूर्वक उतर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है यार ये व्यू देखो, आप देखना ये पूरी उतार अपना, ओह ये देखो ढमक ढमक ढोल बजते रहते हैं। अब एक बार मैंने दूसरा रास्ता लिया उतारने के लिए ना, ओहो वाह इसको बहुत बढ़िया, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। वॉशरूम क्लीन है आपके, एकदम क्लीन वॉशरूम बना रखे हैं भाई साहब, वरना ऐसी जगह मिलते नहीं। व्यू देखो आप, ओ मेरे भाई सनसेट व्यू तो एंजॉय करो भाई, फांस काट रही थी भगवान ने कतई। देखना ये हेलीपैड है, उनको भी 3 किलोमीटर चलना पड़ता है, अभी लिख रहा था हेलीपैड 2.7 किलोमीटर चलना तो उनको पड़ता है, और यहाँ पे भी है इनको भी चलना ही पड़ता है भाई। तो 10 किलोमीटर पैदल चल, पर ठीक है भाई जिसके पास अगर नहीं चल सकता है फिर पैसा है तो क्या दिक्कत है। अब उतर रहा हूँ भाई आराम से सीढ़ियों से, उतरना इजी रहता है ना, चढ़ना थोड़ा हार्ड रहता है। सो लेट्स गो, और हमको पहुँचना है यहाँ, वो भाई 3x में देखा भी आपने। चलो भाई ये नज़ारा आंखों से जो दिख रहा है ना, मैं अपने मुँह से बयान नहीं कर पा रहा भाई, ये सनसेट का व्यू है और आपका 5:30 बजे का, सो वंडरफुल। मेरा मन कर रहा है इसको देखता रहूं, फ़ोन गिर गया तो फिर आप नहीं देख पाओगे वीडियो, तो रख लेता हूं। एक्चुअली ये देखो यहाँ तक ना वो सूरज पड़ रहा है इस पे, और यहाँ इससे नीचे कुछ नहीं है। सेल्फी में देखो शटर स्टॉक वगैरह से नहीं उठाई मैंने पिक्चर ऑनलाइन, ये देखो अरे एक ही पहाड़ है, ऐसा नहीं इधर उधर हो रखे हैं। चलो अच्छा लग रहा है, रुक जाओ ना,
भाई आजकल जिम करने का मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, मैं दुबारी पहुंच लिया हूँ भाई, कुछ थकावट नहीं है और पैर कह रहे भाई चले जा ना कहीं, मतलब ना कहीं नहीं बैठा मैं खाना खाने के अलावा भाई। और कहाँ से जाना है अब, पेट कट रहा, मैं नहीं रुक रहा भाई, नॉन स्टॉप ले जा रहा हूँ। तो यहाँ भाई ऑन द वे भाई मिले हमको हरियाणा से भाई, सोनीपत से हो भाई, हम मेरे को छुटते ही कहते हैं कि आपको पुरानी बार एक सब्सक्राइबर मिला था करोल बाग में, वहाँ पे हमने जिम का पूछा था, वो डे बता नहीं पाए थे, आप बताओ भाई, भाई कह रहे मेरे को पूरा बता है, पक्का बताओ भाई, ट्रू सब्सक्राइबर भाई ने मेरे को फोन में भी चेक करवा दिया, थैंक यू भाई। भाई ट्रेन से आए हैं, रात में चढ़ाई करेंगे, हम तो उतर रहे हैं, बढ़िया रहती है वीडियो एंट्री वाली, एंट्री वाली भी देख करो, अभी दोनों सब्सक्राइब कर रखी हैं। अच्छा यूट्यूब पे मैं तो तीन ही, एक तो प्रांजल दैया, एक आप और एक एलिशिया दोनों। अच्छा प्रांजल दैया, हाँ। उस अच्छा उसके ब्लॉग्स, हाँ। सही है वो लड़के, तो मातिस के शॉर्ट्स और जो सॉन्ग है, और एक आपकी ब्लॉग और जो गाड़ी की वीडियो डालते हो रिव्यू, और दूसरा एलिशिया के ब्लॉग और कुछ नहीं। थैंक यू भाई, बाकी ये देखो भाई व्यू कटरा का कितना मस्त लग रहा है, प्यारा भाई उतर के आ चुका हूँ मैं, और जो RFID टैग है ना ये हमको उल्टा करना पड़ता है, देखो यात्रा कार्ड जमा नहीं करना अपराध है, इसको डाल देंगे हम ऐसे जैसे ये वाला भाई डाल रहा है, बस 500 मीटर रह गया भाई, हालत खराब हो गई। यहाँ पे भाई मेरी गाड़ी आ गई नेक्सस, थैंक गॉड भाई तुरंत ही मिल गए यार, बहुत अच्छा लगा, ओ भाई साहब हालत खराब भैया, बढ़िया होटल में लिफ्ट है ना, होती तो मैं क्या करता, ओह मालिक भाई ये ना भैरव बाबा पे वो सीढ़ियाँ लेते हैं और उतरते टाइम सीढ़ियाँ हालत ऐसे बैंड बज जाती है ना भाई, सब माता जिसको बुलाती है ना वही आते हैं, ये बात है बिल्कुल। ओह भाई आ गया मैं, आ रहा हूँ अब सो भाई, यहाँ मंगवा लिया भाई मैंने अब डिनर चाउमीन, क्योंकि अब मेरे को कुछ रोटी वोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, चाउमीन और चिली मशरूम। 9 बज रहे हैं और आँखों में आप देख सकते हो इतनी भयंकर नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ भाइयों से, कल मिलूँगा, एक दिन वीडियो नहीं आई क्योंकि वो आज के दिन था भाई मेरे पे नहीं हो पाया, मैं आते ही मैंने खाना मंगाया 5-10 मिनट में खाना आके सो खा के मैं रहा हूँ, सो भाई आज हिम्मत नहीं भाई, सॉरी यार, प्लीज़ अपोलॉजीज, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।